अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। फासला महज आधा किलोमीटर का भी नहीं है, लेकिन इसे पार करना किसी मुसीबत से कम भी नहीं। छावनी परिषद की सड़क पर अनगिनत गड्ढे हैं और इन गड्ढों में ही सड़क, इस सड़क से ही रोजाना निकलना है अपनी कमर और वाहन को बचाते हुए। हम यहाँ बात कर रहे हैं सप्लाई डिपो से, भगत लाइंस की कैंट बोर्ड ने इस सड़क को लावारिस छोड़ दिया है। हालांकि अगर छावनी परिषद के अंतर्गत आने वाली भीतरी सड़कों का भी बुरा हाल है, लेकिन यह मार्ग नेशनल हाईवे को जोड़ता है। यहाँ बने गहरे गड्ढे में अक्सर वाहन चालकों को गिरते हुए देखा जा सकता है। बारिश में और बुरा हाल हो जाता है, पानी में गड्ढे की गहराई का पता नहीं चलता और दुर्घटना हो जाती है। आज मेरठ शहर की एक बड़ी आबादी से जुड़ी समस्या को फर्स्ट बाइट टीवी टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। राहगीरों ने अपना दुखड़ा भी रोया। फर्स्ट बाइट टीवी की यह पहल है कि नागरिकों का यह कष्ट छावनी परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और इस समस्या से निजात मिले। देखिए फर्स्ट बाइट टीवी की यह रिपोर्ट। हालत देख लो नहीं तो भाई बात कर दूंगी।
इस वक्त हम मौजूद हैं कैनबोर्ड एरिया। कैनबोर्ड एरिया का वो एरिया जो शुरू होता है सप्लाई डिपो से भगत लाइन तक, और ये एरिया ऐसा है, महज एक एरिया ऐसा है जहाँ पर एक या दो गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों की भरमार है। हो गए 8-10 साल हो गए यहाँ पे ठेले लगाते हुए, मगर ये पहली बार इतनी ज़्यादा रोड ख़राब हुई है। पहली बार हुई है, बहुत हादसे हो जाते हैं, रात को एक्सीडेंट होते हैं, समझ लो 1-2 एक्सीडेंट रोज़ होते हैं यहाँ पर। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, हमारा भी नुकसान होता है, बाजी बाजी ऐसा होता है, किसी किसी दिन ठेले भी पलट जाते हैं हमारे फल के, हमारा भी नुकसान होता है। कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित होती रहती है यहाँ पे। किस तरह की घटना घटित होती है? जैसे मैडम आप रोड पे पूरे में गड्ढे गड्ढे, ना तो निगम प्रशासन, ना MD प्रशासन, ना ही छावनी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। अच्छा, कब से आप ये देख रहे हैं? ये मैडम लगभग 8-9 महीने हो गए जब से। गड्ढे जी, आपने किसी शिकायत की? सर ये रोड टूटी है, 1 साल हो गया है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और काफी गाड़ी भी छोटी भी, बच्चे भी गिर जाते हैं, स्कूल के बच्चे लेडीज हुई। नहीं, हमने कहीं शिकायत नहीं करी। मैडम एक बताओ, कोई ना कोई तो शिकायत करेंगे ही, हम तो डेली अप डाउन करते हैं यहाँ पे, कोई समाधान नहीं हुआ, 1 साल हो गया, बताओ मैडम। देखो जी, मैं मेरठ कॉलेज का छात्र हूँ, LLB फर्स्ट ईयर का, मैं रेगुलर कॉलेज जा रहा हूँ, तो स्थिति क्या बन रही है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इतनी ख़राब स्थिति है सड़कों की, अगर आपके पास में नई गाड़ी है, आप 10-20 लाख की शोरूम से निकाल के लेके आ रहे हो, तो आपकी हालत ये हो जाएगी कि आने वाले 1 साल के बाद अगर आप इस रोड पर कंटिन्यू ले कर चल देते हैं तो गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या है, हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाइक से आते हैं, हमारी बाइक का ये हाल है कि पहले हम 500 किलोमीटर पर जाकर सर्विस कराते थे, अब हमें 200 पे 250 पे करानी पड़ रही है। इतना बुरा हाल है, इस सड़क का कोई देख रेख नहीं कर रहा है, सड़क की आदमियाँ डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, डे बाई डे। व्हील अलाइनमेंट सस्पेंशन रोज ख़राब हो जाता है, रोज 400 रुपये का सस्पेंशन व्हील अलाइनमेंट कराओ, फिर अगले दिन यहाँ जाओ, फिर वही हालत है। 3-3 फुट 2-2 फुट के गड्ढे हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से, और ये रेगुलर है, बहुत काफ़ी टाइम से हम रेगुलर हर रोज आते हैं यहाँ से। जी, ये ना वैसे तो रोड सारे ठीक हो गए हैं, मगर ये वाले रोड काफ़ी दिन से खराब है। आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं आ रहा हूँ कम से कम यहाँ से, मुझे हो गए 6 महीने से ये वाला रोड। 6 महीने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रोड पे कार्रवाई नहीं हो, और पे तो बहुत जल्दी से काम चल रहा है, पर पता नहीं ये कहाँ आ नहीं रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका। और गड्ढों के वजह से डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। अभी एक पीछे भी गाड़ी पलटी पड़ी है मवाना रोड पे भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरठ।